आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस और खबर कोरोना के खतरे से जंग लड़ रहे हैं लालकुआं इलाके से। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को 3 घंटे खरीदारी का क्षेत्रवासियों को समय दिया गया। इसके बाद घरों के बाहर निकले दर्जनों लोगों को पुलिस ने लठियाकर भगा दिया। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। कोई किसी भी व्यक्ति को जिसे सामान की आवश्यकता होगी, वह कल प्रातः परिवार का एक सदस्य सामान लेने के लिए घर से बाहर आ सकता है। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रशासन अधिक सख्त हो गया। जिस प्रकार पहले दिन खरीदारी के लिए 9 घंटे का समय दिया गया था, उसके विपरीत दूसरे दिन सिर्फ 3 घंटे का समय दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी बाजारों में उमड़े और उन्होंने जमकर खरीदारी की। खरीदारी के दौरान एक ही दुकान में दर्जनों की संख्या में लोग एकत्रित होकर दैनिक उपयोग का सामान खरीद रहे थे। जैसे ही 10 बजे तो पुलिस ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को घरों में जाने की हिदायत देनी शुरू कर दी। अधिकांश लोग सामान लेकर चले गए, लेकिन जो समय पर सामान नहीं खरीद सके उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। देखिए, कल जो आदेश आया था रात को कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है खुला रहेंगे और उसके बाद में बाज़ार वगैरह सब बंद रहेंगे, सारी दुकानें बंद रहेंगी। रात को हमने जो है अपनी गाड़ी से प्लस नगर पालिका की गाड़ी से जो है हमने मुनादी कराई है, लोगों को अवगत कराया कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद में कोई दुकान नहीं खुलेगी। जिसके अभी सुबह 10 बजे के बाद में हमने 10 बजे तक छूट दी थी, 10 बजे के बाद में फिर कुछ लोग सड़क पे घूमते हुए दिखे थे, उनको अंदर किया गया है, घरों के अंदर किया गया है। कुछ गाड़ियाँ सीज की गई हैं हमारे द्वारा, और अगर फिर भी कोई अगर ज़्यादा लापरवाही करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि बाजार में टहल रहे दर्जनों लोगों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भगाया। इसके बाद लाल कुआं के कोतवाल सुधीर कुमार, SSI प्रेम राम विश्वकर्मा, SI राकेश सिंह कठायत, नरेश पंत, चंद्रशेखर जोशी आदि के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत दी। लालकुआं में फिलहाल अभूतपूर्व शांति है और लोग अपने घरों में ही बैठे हैं। लालकुआं से हेम जोशी की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा के रानीखेत में भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अत्यावश्यक सामान खरीदने के लिए दुकानें खुली रहीं। सब्जी मंडी में लोगों का आना जाना रहा और ठीक 10 बजे के बाद पूरे रानीखेत शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। नगर में सन्नाटे की स्थिति है और आवारा जानवरों को छोड़कर सड़क पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर छावनी परिषद के कर्मचारियों ने रानीखेत नगर में कीटनाशक का छिड़काव किया। उन्होंने गलियों गलियों घूमकर गाड़ी से कीटनाशक छिड़का। रानीखेत से गोपालनाथ गोस्वामी की रिपोर्ट। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं।